दोस्तों, क्या सच में डीआरडीओ लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर भारत के पांचवी पीढ़ी के एएमसी फाइटर जेट को डेवलप करने वाला है? दोस्तों, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लॉकहीड मार्टिन की तरफ से भारत को एक बड़ा ऑफर दिया गया है, जिसके अनुसार लॉकहीड मार्टिन और डीआरडीओ भारत के पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट एएमसीए को साथ में मिलकर डेवलप करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अमेरिकी एयरोस्पेस जायंट लॉकहीड मार्टिन ने भारत के साथ पांचवी पीढ़ी के एएमसी फाइटर जेट को विकसित करने के लिए भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है, जिस पर लॉकहीड मार्टिन के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि लॉकहीड मार्टिन भारतीय पार्टनर के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए तैयार है और पांचवी पीढ़ी के एएमसी फाइटर जेट को भी विकसित करने में मदद कर सकती है। दोस्तों, आप सभी के इस खबर पर क्या विचार हैं, कमेंट में अवश्य लिखें। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो एचएएल ने एलसीए तेजस MQ-1A फाइटर जेट की खरीद के बारे में एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें एचएएल ने पुष्टि की है कि अप्रैल 2024 में 97 एलसीए तेजस MQ-1 फाइटर जेट के लिए केवल आरएफआई जारी हुआ था और इंडियन एयरफोर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होना बाकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि डीएसी ने नवंबर 2023 में इन फाइटर जेट को खरीदने के लिए मंजूरी दे दी थी और अब एचएएल द्वारा अपनी मूल प्राइस बिड जमा करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप देने से पहले इंडियन एयरफोर्स के साथ बातचीत की जाएगी, जिसके बाद एक आधिकारिक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।